नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा आईफोन XS और आईफोन XS मैक्स के ऊपर नहीं बात करूंगा, उनमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है उनके डिस्प्ले में, बेसिकली जो उसका नाम है आप जानते हैं OLED टेक्नोलॉजी, तो उसके ऊपर आज मैं बात करूंगा। अगर आपको पता है OLED टेक्नोलॉजी क्या है तो मिला लीजिए मेरे साथ, और नहीं पता तो जान लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है टेक्निकल थोड़ी सी ज्ञान तो हर एक को रहना चाहिए। तो दोस्तों अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जीनियस ब्लॉग चैनल को और पूरा वीडियो देखते रहिए बिना स्किप किए। तो फिर दोस्तों देखो कि OLED टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होता है। OLED का मतलब होता है ऑर्गेनिक LED, मतलब ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि लाइट एमिटिंग डायोड बेसिकली होता क्या है। लाइट मतलब जो एक ऊर्जा है, एमिटिंग मतलब निकालता है, और डायोड मतलब होता है बेसिकली एक स्विच टाइप का चीज़। ठीक है, आपको इजीली समझाने के लिए मैं इसको बोल रहा हूँ, एक स्विच टाइप का चीज़। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो डायोड होता है इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम ऐसे कुछ सेमीकंडक्टर्स रहते हैं। तो इनमें क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स का मतलब शायद आपको पता होगा, मतलब जिनके अंदर से करंट बहुत धीमी गति से जाता है, मतलब बहुत कम जाता है और धीमी गति से जाता है, इसको हम बोलता है सेमीकंडक्टर्स। तो भाई ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इन सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि जब इनमें से करंट पास होता है तो ड्यू टू द करंट एनर्जी इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन सिलिकॉन्स और जर्मेनियम्स में, इनमें एक ट्रांजिशनल एनर्जी क्रिएट होता है, और इस ट्रांजिशनल एनर्जी के कारण क्या होता है, जो ऊर्जा एक्सेस होता है वो बाहर निकल जाता है इन टर्म्स ऑफ लाइट। तो अगर लाइट के रूप में निकलते हैं तो इसे हम बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। अब भाई ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है बायो, मतलब जो चीजें आपको प्रकृति में मिलता है इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड का मतलब होता है, आपने शायद देखा होगा कि रात के टाइम पे जो जुगनू होते हैं उनके पीछे से लाइट निकलते हैं। ठीक है, और शायद आपने और भी देखा होगा कि टोबैको के कुछ वेरियंट्स है जिनके पत्ते में रात के टाइम पे उज्ज्वल लाइट के तरह कुछ दिखाई पड़ते हैं, और मैंने देखा कि कोकोनट ट्रीज में भी ऐसे कई सारे प्रजातियां हैं। तो भाई ये सभी में क्या है, बेसिकली ये प्रकृति का एक दान है कि इनमें एक पिगमेंट्स रहते हैं, और रात के टाइम पे ये पिगमेंट्स उज्ज्वल हो जाते हैं ड्यू टू देयर एमिशन ऑफ लाइट। तो इसमें भी एक ही चीज़ होता है, लेकिन वो कम मात्रा में होता है, ऊर्जा कम होता है, बायो चीज़ है तो नॉर्मली कम होगा, ज़्यादा वोल्टेज होगा तो ज़्यादा निकालेगा, अगर ज़्यादा वोल्टेज होगा तो जुगनू खुद कन्वर्ट हो जाएगा ऊर्जा में अपने मास से, जो भी हो। तो उनमें जो चीज़ होता है वो सेम चीज़ इस आईफोन का ये जो नया वेरिएंट है इसमें भी हो रहा है। मतलब क्या हुआ, वो जो पिगमेंट्स आप जुगनू में देखते हो वही तरह के 7 कलर के 7 पिगमेंट्स इस डिस्प्ले में इनपुट किया गया है थ्रू द बैग्स। अब इसमें होता क्या है, छोटे छोटे बैग्स रहते हैं और उन बैग्स में पिगमेंट्स को रख के ये डिस्प्ले के ऊपर रखा जाता है, जिसके कारण आपको विजिबिलिटी ऑन द स्पॉट डिस्प्ले बहुत ही अच्छा मिलता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका फोन का प्रोसेसर जो है वो शायद डैमेज हो जाएगा, लेकिन आपका डिस्प्ले कभी खराब नहीं होगा, ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। लेकिन इसका ये जो OLED टेक्नोलॉजी है इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर एक बार आपके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है, ठीक है, और वो अगर ज्यादा से ज्यादा चोट से गिर जाता है, ज्यादा से ऊपर से गिर जाता है, तो भाई होता क्या है कि जो बैग्स है वो रप्चर हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो जो पिगमेंट्स है वो एक्सपैंड कर जाते हैं। अब अगर एक्सपैंड कर जाते हैं तो फिर क्या होगा, पूरा डिस्प्ले खराब हो जाएगा। तो ये ही मात्र एक ड्रॉबैक है इस डिस्प्ले का, इसको छोड़ के ये डिस्प्ले सबसे बेहतरीन डिस्प्ले में से एक है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है कि OLED क्या है। अगर आपको कुछ सुझाव हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, कुछ बताना मैं भूल गया तो वो भी लिखिए नीचे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता पड़े OLED टेक्नोलॉजी के बारे में। और ये इतना अच्छा कोई चीज़ नहीं है जो कि आपको रेडमी थोड़ी ही दिन में देने वाला है, मतलब दे तो सकता है लेकिन देने का कोई फ़ायदा नहीं, वैसे भी रेडमी उतना दिन चलेगा नहीं। लेकिन डिस्प्ले, मतलब रेडमी अगर 4 साल देता है आपको बैकअप तो डिस्प्ले आपको 10 साल मिलेगा, तो भाई 6 साल आपको एक्स्ट्रा मिलता है सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले के कारण, आपका मोबाइल का जो फुल प्राइस है वो बढ़ जाता है। तो आप इसको समझिए, और बाकी आपके ऊपर है, आप चाहते हैं OLED या फिर नहीं चाहती आपके ऊपर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नमस्ते।